वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं और देखिए मेरे साथ है मेरे गुरुजी। तो हम दोनों आए थे मम्मी पापा को छोड़ने के लिए दिल्ली तक, और सुबह हम निकले थे करीब 11 बजे नैनीताल से, और अभी लगभग 7 बजे है तो हम वापस जा रहे हैं नैनीताल। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, नैनीताल में तो हाई अलर्ट था तो वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, यहाँ पे अभी बारिश इतनी नहीं है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। रास्ते में भी कहीं कहीं पे बारिश थी। तो यहाँ से अब हमारा शुरू है नैनीताल का आज का रात का सफ़र। तो अब हम कितने बजे पहुँचेंगे तो पता नहीं, 1 बज जाएगा शायद, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। और आपको रास्ते की पूरी जानकारी दूँगी आज मैं, दिल्ली से नैनीताल कौन से रास्ते से जाना है, कैसे कैसे टोल पड़ेंगे, कितने का टोल पड़ेगा, तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ और आप साथ में बने रहिए। तो देखिए, हम अभी हाईवे पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से सीधे गाज़ियाबाद निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी जो टोल पड़ते हैं वो कितने के पड़ते हैं और कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। चल रहे हैं अभी हाईवे पर और यहाँ से दिखा रहे हैं हल्द्वानी 36 किलोमीटर्स पर। हम हल्द्वानी वाली रोड से नहीं जाएंगे, अब जहाँ से जाएंगे वो रोड मैं आपको बता दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आ गया है दिल्ली से जब हम निकलते हैं तो पहला टोल पड़ता है छजारसी, और यहाँ का जो टोल प्राइस है वो है 155 रुपये का। तो ये वन साइड है वो 155, अगर आप 24 घंटे में आना जाना करेंगे तो कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली से नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपको यहाँ 155 रुपये देने पड़ेंगे टोल के। तो ये अभी तक का सबसे महंगा टोल है, क्योंकि यहाँ से मेरठ हाईवे भी निकलता है और रास्ते भी निकलते हैं, तो ये बहुत महंगा टोल है। और फास्टैग ज़रूरी है, फास्टैग होगा तो ज़्यादा अच्छा है। लॉक करना, देखिए ये है टोल प्लाजा 6000। मैं आपको जानकारी देना चाह रही थी कि यहाँ जो टोल है वो 155 रुपये का है। तो हम तो क्योंकि 24 घंटे से कम में आ गए हैं, लगभग 2-3 घंटे में ही वापस आ गए हैं, तो हमको तो कम ही पड़ेगा, लेकिन 155 पहले कट चुका है, अभी जो कटेगा वो कम कटेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और अभी काफ़ी लंबा रास्ता हमने तय करना है, बहुत दूर हमने जाना है, पहाड़ों तक जाना है। तो मौसम भी ख़राब है, पता नहीं कैसा रास्ता मिलेगा, लेकिन हम डटे हैं अपने रास्ते पे क्योंकि वापस लौटना ज़रूरी है, काफ़ी सारे काम हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से, और काशीपुर यहाँ से भी दिखा रहा है 182 यानी कि 182 किलोमीटर्स, बट हम ये काशीपुर से पहले ही हम कट जाते हैं, तो अभी रास्ता आपको दिखाते हुए चलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है दूसरा टोल और ये है ब्रिज घाट पे। रास्ता बहुत ख़राब है थोड़ा सा, तो ये जो टोल है ये है ब्रिज घाट का टोल, और यहाँ पे लगभग 65 रुपये कटते हैं। ब्रिज घाट को गढ़गंगा या गढ़मुक्तेश्वर भी बोलते हैं, तो ये धाम भी है यहाँ पे। यहाँ पे गंगा नदी मिलती है और काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और रास्ते में यहाँ तक आने के लिए खाने पीने के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और उनमें से एक बड़ा फेमस है मामा यादव का शिवा ढाबा, बड़ा ही फेमस है और खाना भी बड़ा अच्छा वहाँ पर मिलता है। इसमें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टोल कितना और कितने के पड़ते हैं। हालाँकि रोड में अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बारिश भी बहुत हल्की हल्की पड़ रही है, तो शीशा आगे का बार बार गंदा हो जा रहा है, लेकिन ये जो जगह है ब्रिज घाट, ये एक तरह से धाम माना जाता है, तो यहाँ पे होते हैं गंगा मैया के दर्शन। तो इस जगह पे हमेशा चहल पहल ही बनी रहती है, ये यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के अलावा पिंड दान करने भी आते हैं और श्राद्ध करने भी आते हैं। तो देखिए कितना ख़राब ये लोग चलाते हैं यहाँ हाईवे में, कहीं भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो अभी ध्यान हमारा सिर्फ गाड़ी पे है और अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता हमारा बाकी है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आ गया है तीसरा टोल, और
शिबुया का टोल प्लाज़ा। और बस यहाँ से, क्योंकि हम जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ से हमें तीन ही टोल पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है वेलकम ज़ोया टोल, तो ये है ज़ोया का टोल। और यहाँ से आगे जाके एक रास्ता कटेगा जो जहाँ पे लिखा होगा काशीपुर रामनगर, तो हम उस रोड से कट जाएंगे और हम जाएंगे वाया काला डूंगी होते हुए नैनीताल। तो अगर आप गूगल में देखेंगे तो वही रास्ता दिखाएगा, और अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको सिर्फ तीन ही टोल पड़ेंगे, और अगर आप हल्द्वानी होते हुए जाते हैं तो आपको चार टोल पड़ेंगे और चौथा टोल पड़ेगा रामपुर के पास। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना कहना चाहती थी इसमें कि अगर आप हल्द्वानी वाले रास्ते जाएंगे तो आपको चार टोल पड़ेंगे, और अगर आप वाया काला ढूंगी जाते हैं तो आपको तीन ही टोल पड़ेंगे। तो हम, क्योंकि वाया काला ढूंगी ही जाते हैं हमेशा, तो हमें तीन ही टोल पड़ते हैं, क्योंकि रामपुर वाला साइड का जो टोल है वो बड़ा महंगा टोल है और रूट भी काफ़ी लंबा है, तो हम वहाँ जाना अवॉइड करते हैं, हम उस रास्ते से नहीं जाते हैं। तो हवा की आवाज़ क्योंकि बहुत तेज़ हो गई थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा यहाँ पर, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लगा है बोर्ड और यहाँ से हम कटने वाले हैं, यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न और हम कट जाएंगे दूसरे रास्ते में। लिखा है यहाँ पे जिम कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट वाला रास्ता जाएगा हम जाएंगे, और ये सामने हाईवे जा रहा है रामपुर की तरफ और हम लेफ्ट की तरफ कट गए हैं। यहाँ से देख सकते हैं काशीपुर का रास्ता है, लेकिन यहीं से हम जाएंगे नैनीताल। ये रास्ता थोड़ा पास पड़ता है और यहाँ पे टोल भी नहीं है, तो बीच बीच में रास्ता दिखाती रहूँगी मैं आपको। और क्योंकि हवा बहुत तेज़ है बाहर, तो हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं अभी कम कम ही बना रही हूँ वीडियो। वैसे भी रात का टाइम है तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो चलिए आगे कहीं पे अगर अच्छा कुछ देखेगा तो दिखाऊंगी। मूसलाधार बारिश के बीच में जंगल के रास्ते पे चल रहे हैं अभी, और अभी एक घंटा लगेगा पहुंचने में। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, बस इतना है कि रास्ता खुला हुआ मिले, लैंडस्लाइड ना हुआ हो, तो अगर कुछ होता है तो बताती हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अभी रात का एक बज गया है और रास्ते में कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो बस डर यही लग रहा था कि लैंडस्लाइड ना हो जाए, लेकिन थैंकफुली मुझे रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला और सही से मैं घर पहुंच गई हूँ अच्छे से। और अब मैं थक भी गई हूँ तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज का वीडियो जो मैंने बनाया वो सिर्फ इसलिए बनाया कि आपको मैं बता सकूँ कि जब दिल्ली से नैनीताल के लिए आते हैं तो रास्ता कौन सा लें और कितने कितने टोल पड़ते हैं, ताकि आप लोग के लिए अगली बार आना ईजी हो और आपको ये जानकारी रहे। तो चलिए ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोबारा किसी नए वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।